Okay, now the first slide I would like to see. Okay, now my dear students, हमेशा जब भी दुनिया में कहीं भी ऐसा होता है, टीचर मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, द सेकेंड वन, यस, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन. जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं उसमें है कि व्हाई मुस्लिम्स वर डिक्लाइन इन साउथ ईस्ट एशिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर वाज अ गवर्नमेंट. सो द फर्स्ट रीजन वाज देयर करप्शन, देन लॉस ऑफ फोकस, डेविएटिंग फ्रॉम एजुकेशन, यानी दे डिड नॉट पे एनी काइंड ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स टू इम्प्रूव देयर एजुकेशनल सिस्टम. एंड द मोस्ट यू नो वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड विद देयर लाइफ्स इज इंडल्जेंस इन लग्जूरियस लाइफ स्टाइल. एंड द लास्ट इज इन इफेक्टिव लीडरशिप. तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, लेट्स मूव. हम ये देखते हैं कि करप्शन, सबसे पहले हम देखें, कभी भी किसी भी सोसाइटी में जो वहाँ के सारे सिस्टम जो कोलैप्स करता है उसका रीज़न कोई एक नहीं होता. उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो करप्शन है, जब आपके मामलात जो हैं, व्हेन द डेली रूटीन वर्क एंड ऑल द गवर्नमेंट जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती और इंसाफ से काम नहीं दिया जाता. देर वॉज नो जस्टिस. व्हेन देर इज नो जस्टिस द सिस्टम इज कोलैप्स्ड. ठीक है, अब मुसलमानों में आपने देखा था कि कितनी तेजी से इस्लाम फैला था साउथ ईस्ट एशिया में, जो हम देख रहे थे वो क्या वजह थी. उसकी वजह आपको पता है क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब ट्रेडर्स कोस्टल एरिया में, उन्होंने अरब्स से और जो इंडियंस थे वो जब तिजारत के लिए आए थे और वहाँ पर उन्होंने आके अपना सामान वगैरह बेचना शुरू किया था, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग क्या हुए थे? इम्प्रेस हो गए थे. ठीक है, इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया. ठीक है, तो इस्लाम कबूल किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की तरफ आए. उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी, लोग उससे हुए शूद्रास, जिनको के बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया गया था, उनको जब उन्होंने एक कहा कि नहीं, यू ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ अल्लाह, इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, तो एवरीबडी गॉट द इक्वल रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट. तो फिर क्या हुआ कि वो सारे उस तरफ मोटिवेट हुए. अब क्या हो गया कि जिस वक्त ये सब चीज़ें जो थी, जब जिसकी वजह से वो इस्लाम में दाखिल हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें उन्हें नज़र आईं कि अब तो हमें तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा, यानी हर इंसान जो जितने भी हुक्मरान थे उनके अपने अपने मोटिव्स बन गए. ठीक है, उसके बाद उनका फोकस ही नहीं रहा, लॉस ऑफ फोकस रहा कि वो मुसलमानों के जो जो जितने भी लोगों के मसाइल थे, उसमें डिफरेंट माइनॉरिटीज़ भी थी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, डिफरेंट किस्म के जो थी वो लोग थे, और उसके अंदर क्या था कि उनका फोकस उस पे से हट गया था. ठीक है, वो उनको इंसाफ मुहैया नहीं कर सके थे. ठीक है, एजुकेशन के ऊपर कोई उन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया, उनका सिर्फ मकसद क्या था कि जी अपनी वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल में आ गए थे, और बड़ा इन इफेक्टिव किस्म की लीडरशिप जो थी वो थी. अब क्या होता है, ख़ास तौर पर जो जो मामलात होते हैं, मामलात होते हैं, अगर हम उसको यूं कहें कि जिस वक्त आपके अपने जो मफादात होते हैं, जो आपके अपने फ़ायदे होते हैं, जो ज़ाती मफाद जो है वो अजीज़ हो जाए और कौमी मफाद पे वो तरजीह देते हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिबेलियस पीपल जो है वो पैदा होते हैं, बगावत पैदा होती है.
अब इस चीज का फायदा जो था वो उन लोगों ने, जो बाहर से जो इंट्रूडर्स थे, जो ब्रिटिश आए थे, ठीक है, उन्होंने उसका फायदा उठाया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। मुसलमानों की जो एक ग्रोथ थी, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो थी, दैट वाज स्लोड डाउन टू एन अलार्मिंग एक्सटेंट, दैट वाज स्लोड डाउन टू द अलार्मिंग एक्सटेंट, ठीक है। नाउ आफ्टर वर्ड्स, जब इतना मुसलमानों के ऊपर ये जवाल आ गया, देन क्या हुआ कि एक लीडरशिप जो था, और एक किस्म का डिस्पोटिक रूलर्स जो थे, उनका एक हार्ड डिस्पोटिक होता है, आमराना, जालिम किस्म की, क्रूअल, ठीक है। वो उन्होंने बहुत ज्यादा जो था वो लोगों को पनिश करना शुरू किया, और बहुत ज्यादा जो था लोगों पे जुल्म करने शुरू किए, जिसकी वजह से लोग बददिल होना शुरू हो गए। और फिर जब, सीधी बात है, जब मुआशरे में, जब सोसाइटी में इंसाफ खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मामलात भी वो वैसे नहीं रहते हैं। नाउ वी विल सी द, फिर उसके बाद हम यहाँ पर, हमारे जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, हमारे जो जो लोग थे, उन्होंने किस तरह उसके अंदर री अवेक किया, लोगों को जगाया, लोगों को दोबारा से उनको जगाया कि यू जस्ट मूव ऑन। तो वो कौन, वो कैसे एक तहरीक चली थी, टीचर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिर अब हम देखते हैं द री अवेकनिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, द मदरसास एंड मकतब्स एज द बेसिक सेंटर्स ऑफ इस्लामिक लर्न प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम्स, उलेमा एज स्कॉलर्स वर नोन एडवोकेटेड अ रिटर्न टू कुरानिक प्रिंसिपल रिफॉर्म सोसाइटी। अब इन लोगों की ये कोशिश थी कि वो क्या किया जाए कि इन लोगों को दोबारा से, जो लोग इतने डिसहार्टन हो चुके हैं और जो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, तो हम उन लोगों को किस तरीके से इकट्ठा करें। अब उसके अंदर जो हम देखते हैं री अवेकनिंग, उन्होंने मदरसा, जिसमें कुरान पाक की तालीम जो है उसको उन्होंने आम किया, ठीक है, कुरान पाक की तालीम को उन्होंने ना सिर्फ अरबी जबान में बल्कि उसको ट्रांसलेट किया। उसमें जो रोल था वो शाह वलीउल्लाह का बहुत जबरदस्त था। शाह वलीउल्लाह ने कहा कि हम अरबी जुबान में कुरान पाक पढ़ते हैं, तो अरबी जुबान में, तो अब अरबी हमारी जुबान तो है नहीं, तो समझ तो आती नहीं, तो उन्होंने फिर उसको ट्रांसलेट किया, उन्होंने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, फिर बाद में उसके, शाह वलीउल्लाह का जो बेटा था उसने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। एनी वे, वो आगे फिर सैयद अहमद शहीद थे, जो कि एक सोल्जर टाइप आदमी थे, जिन्होंने के हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इस वक्त जो हम बात करेंगे वो हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, उस वक्त तो ये नहीं था, उस वक्त तो ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। तो यहाँ पर जो हुकूमत थी वो मुगल्स की थी, और आपको पता है मुगल्स जो थे वो चाहे कुछ भी था, कुछ भी था, उनकी जो तादाद थी वो इंडो पाक में तो, या सब कॉन्टिनेंट में तो माइनॉरिटी वाली ही थी। अगर 5 हिंदू थे तो, या 6 हिंदू थे, तो उसमें से कोई एक ही मुगल होता था, लेकिन क्योंकि हुकूमत उनकी थी। और फिर उसके बाद जो औरंगजेब का एक रिजिड किस्म का जो उसका सिस्टम था, जिसपे कि वो, उसने बहुत ज्यादा रिजिडिटी, फिर उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा इस चीज से, क्योंकि देखिए जब आप हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाएंगे ना, तो वो मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह फिर लोगों के भी यही हुआ कि लोग जो थे वो मुतनफ़िर होना शुरू हुए, और उसका इनइफेक्टिव जो एक लीडरशिप थी, और जो उसका फ्रीक्वेंट फाइटिंग थी अमंगस्ट द फ्रेंच एंड द, फाइनली एट द ब्रिटिश, तो ग्रेजुअली क्या किया उन्होंने, टेक ओवर किया ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, बट देर वॉज ऑल्सो सम वाइज एंड सेंसिबल पीपल हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एजुकेशन एंड अ कॉमन पर्पज फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है ना। सो देर वर रिलीजियस फिगर्स लाइक शाह वलीउल्लाह एंड अदर मिस्टिक, यानी मिस्टिक कहते हैं जो सूफीज होते हैं, सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने एक बड़ा रोल प्ले किया था इंडो पाक में, उसको दोबारा से जो है उसको
वो किया था, ये यानी इस्लाम को उन्होंने दोबारा से। आप देखिए कभी भी जो लड़ाइयाँ होती है, जो जंगें होती है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि या तो किसी को मार दिया जाता है, उससे ताकत के पीछे लड़ाई होती है, उसने उसको मार दिया, ठीक है, और फिर क्या था, मारा जाता था, उसकी हुकूमत उससे खींच ली जाती थी। तो ये सब चीजें जो थी, ये था जो हुआ था ये सारा। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, द डिक्लाइन एंड द री अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम, पेज नंबर 60। प्लीज टीचर, गो ऑन पेज नंबर 60। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम। प्लीज स्टूडेंट्स टर्न पेज नंबर 60। इसमें अब आप देखें इन द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स, वो क्या था कॉजेज। अब बेसिकली ये कॉजेज है उनके डिक्लाइन के। द 19th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ द राइज ऑफ द यूरोपियन पावर्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स थ्रू आउट एशिया एंड यूरोप। अब ये सिर्फ एशिया में डिक्लाइन नहीं हुआ बल्कि यूरोप में भी। और रीजन क्या था? जब ऑनेस्टी नहीं होगी, जब एजुकेशन के ऊपर काम नहीं होगा, जब रिजिडिटी होगी, जब आपस में आप इस तरह के, जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जब देर इज नो जस्टिस इन द सोसाइटी, देन देर इज देन यू सी द मोर पीपल गेट रिबेलियस टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा बागी पैदा होंगे और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यही एक इनका कॉज बना था, ठीक है। इन ईस्टर्न यूरोप द ऑटोमन एम्पायर ऑफ द टर्क्स वॉज स्लोली लूजिंग ग्राउंड। वो क्या वजह थी? ऐशो इशरत थी, अयाशियां थी, उनका कोई काम नहीं हो रहा था, वो इंसाफ नहीं मुहैया कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों को अननेसेसरी पनिशमेंट्स मिलती थी, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट लूज। फिर उन्होंने जो यूरोपियंस को अलाउ किया, वो इंट्रूड हुए, ठीक है। अब देखिए मुसलमानों की हुकूमत क्यों कानून थी? उनकी ऑनेस्टी की वजह से, और वही ऑनेस्टी उनकी डिसऑनेस्टी में बदल गई। फिर वो डिसऑनेस्ट होना शुरू हो गए, नाप तोल में कमी, उनके मामलात में वो बेईमान होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो अपनी ग्राउंड्स को लूज करते चले गए, ठीक है। पर्शिया एंड इजिप्ट टू ग्रेजुअली केम अंडर वेस्टर्न डोमिनेशन। इजिप्ट भी और पर्शिया भी ग्रेजुअली केम अंडर वेस्टर्न डोमिनेशन। इंडिया वॉज ऑलरेडी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एंड फ्रांस हैड, क्योंकि औरंगजेब के दौर में ही जो ब्रिटिश थे वो ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट को टेक ओवर कर चुके थे, उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बन चुका था यहाँ पे, ठीक है। इंडिया वॉज ऑलरेडी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एंड फ्रांस हैड गेन कंट्रोल ऑफ द मगरिब स्टेट्स, मोरक्को, अल्जेरिया एंड टूनेजिया। द मुस्लिम कंट्रीज ऑन द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड द अरेबियन पेनिनसुला वर ऑल्सो अंडर यूरोपियन रूल। अब ये सारे जो थे आहिस्ता आहिस्ता ये सब यूरोपियंस के रूल के उसमें चले गए, यानी अंडर द यूरोपियन रूल चले गए थे। दीज कंट्रीज वर इधर रिच इन रिसोर्सेज सच एज पर्शिया, द सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, और पोलिटिकली स्ट्रेटेजिक लाइक इजिप्ट एंड टर्की। हेंस द वेस्टर्न पावर्स वॉन्टेड टू कंट्रोल देम, दस आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सक्सेसफुल रूल द मुस्लिम स्टेट्स वर गोइंग इन टू अ डिक्लाइन विच एनेबल्ड द राइजिंग वेस्टर्न नेशन टू ओवर पावर देम। उसका रीजन क्या थी? क्यों वो ओवर पावर हुए ब्रिटिश? क्योंकि हम लोग अपनी ग्रिप लूज कर चुके थे, हमने कोई तालीम के ऊपर काम नहीं किया, किसी किस्म का जो था वो इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा था, डिसऑनेस्टी मुआशरे में बहुत ज्यादा प्रिवेल कर चुकी थी, और पावर जो थी वो लॉस ऑफ पावर था, आहिस्ता आहिस्ता जो एक स्ट्रेंथ थी वो लूज कर चुके थे। ये सब चीजें जो थी ये उसका कॉज बनते चले गए, और उससे ये था कि ब्रिटिश जो थे उनकी ग्रिप मजबूत होती चली गई, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान एजुकेशन में पीछे जा चुके थे और यूरोप जो था वो एजुकेशन में आगे जा चुका था। तो उन्होंने अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बाद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उस तरफ कन्वर्ट वो होना शुरू हो गए, मोटिवेट होना शुरू हो गए।
ठीक है। हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत करते हैं तो आप एक वक्त में वो ग्रिप लूज कर जाते हैं, ठीक है। नाउ द चेज ऑफ वर्ल्डली पावर एंड लॉस ऑफ फोकस वर द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम। वही वाली बात आ गई कि जो पार था द चेज फॉर वर्ल्डली पावर एंड द लॉस ऑफ फोकस वर द मेन कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम स्टेट। जो था फोकस क्या था, फोकस क्या था, एजुकेशन था, इंसाफ था, ठीक है, उसके ऊपर फोकस नहीं रहा और उसके बाद मुसलमान अपनी वो लूज करके, द रूलर्स बिकेम इंक्रीजिंगली डिस्पोटिक। डिस्पोटिक कहते हैं जालिम हुक्मरान, आमिर, यानी दे वर वेरी क्रूअल विद ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस। द नोबिलिटी एंड ऑफिशियल्स आल्सो फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द रूलर्स। एजुकेशन एंड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज विच हैड मेड देम डायनेमिक एंड सक्सेसफुल प्रीवियसली वर नॉट गिवन द सेम इम्पोर्टेंस। वही वाली बात आ गई कि जो नोबिलिटी थी वो ऑफिशियल्स थे वो क्या था, फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द रूलर्स, वो उसके ऊपर चल पड़े, गलत रास्तों पे चल पड़े, ऐशो इशरत में चले गए। एजुकेशन जिसमें कि उनको सक्सेस मिली थी वो बिल्कुल उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। एज अ रिजल्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल स्लोड डाउन टू एन अलार्मिंग एक्सटेंट। और इससे क्या हुआ कि वो उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अगर पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकली देयर वर राइवलरीज एंड करप्शंस। करप्शन हुई, जब मुआशरे में रिश्वत होगी, करप्शन होगी, तो ऑब्वियसली मामलात जो हैं वो करप्ट हो जाएंगे, तो लोग उस तरफ से डेविएट होना शुरू हो जाएंगे। दे डेविएटेड फ्रॉम दैट सिस्टम और विच वीकेंड द स्टेट्स मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन द यूरोपियंस हु हैड ग्रोन एंड इंक्रीजिंग वेल्थ, हु हैड ग्रोन स्ट्रॉन्गर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशन इंडस्ट्री एंड इंक्रीजिंग वेल्थ। ऑब्वियसली वो लोग अपने काम में ऑनेस्ट रहे, जिस तरह कभी ये ऑनेस्ट हुआ करते थे, फिर ये करप्ट हुए, फिर उसके बाद वो लोग आए, वो अपने मामलात में ऑनेस्ट हुए, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, और इस तरह लोगों द पीपल स्टार्टेड टू इंक्लाइंड टूवर्ड्स देयर सिस्टम, उन्होंने उनके सिस्टम की तरफ वो इंक्लाइन होना शुरू किया। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द वेस्ट ऑल्सो मेड इट रिच एंड पावरफुल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया और लोग उस तरफ ज्यादा से ज्यादा जाने लगे। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द मुस्लिम वर्ल्ड वॉज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय यूरोप विच ग्रेजुअली कोलोनाइज्ड दीज कंट्रीज। यानी इसके ऊपर फिर उनका उन्होंने ग्रेजुअली 19th सेंचुरी जो था वो यूरोपियन कंट्रीज ने मुकम्मल तौर पे जो था वो कैप्चर कर लिया था, ठीक है। हाउएवर द कॉमन मुस्लिम पीपल गेन्ड एन इम्पॉर्टेंट इंसाइट एज अ रिजल्ट ऑफ द पोलिटिकल रेवोल्यूशन इन यूरोप। दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट, ऑल्दो इस्लाम इटसेल्फ गारंटीज ह्यूमन राइट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, दिस एस्पेक्ट हैड बीन ओवरशैडोड बाय डिपॉस्टिक रूलर्स एंड हार्श रिगेन्स बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम। अब नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के राइट्स की तरफ वो तवज्जो ही नहीं देते थे और वहां पर उनको जो था वो इंसाफ नहीं मिलने लगा, और एक डिपॉस्टिक किस्म की जो थॉट थी वो उसको बहुत ज्यादा जो था अरूज मिलने लगा। स्लोली द मुस्लिम बिगैन टू अवेकन एंड सम ऑफ देम एक्वायर्ड वर्थ वाइल एजुकेशन। अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इमर्ज ऑन द सीन एज लीडर्स, ठीक है ना। अब बहुत से फिर इसमें, अभी इसमें तो हमारी जो बुक में है वो सिर्फ हमने दो का जिक्र किया है, एक शाह वलीउल्लाह का किया है और एक जिक्र जो है वो अहमद शे सैयद अहमद शहीद बरेलवी, इनका पूरा नाम था अहमद शहीद बरेलवी, ठीक है, इनका जिक्र जो है ये हमें हमने सिर्फ करना है यहाँ पर। तो वैसे बहुत से जो थे वो लीडरशिप सामने आई, सूफीज आए सामने, स्कॉलर्स आए सामने, वॉरियर्स आए सामने, जिन्होंने दोबारा से रीअवेक किया मुसलमानों को कि तुम लोग जागो और अपने राइट्स के लिए आप लोग फाइट करें, ठीक है। द रीअवेकनिंग ऑफ इस्लाम
इस्लाम रीच्ड इट्स पीक इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर द मुगल्स। अब इस्लाम जो था वो कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया में मुगल्स के दौर में अपने अरूज पर था। बट इवन एट द हाइट ऑफ देयर पावर द मुगल्स वर आ माइनॉरिटी। जिस तरह मैंने आपको एक बात की थी कि चाहे वो हुकूमत कर रहे थे, चाहे उनका अरूज था, बट स्टिल वो माइनॉरिटी में ही थे। इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडो पाक कॉन्टिनेंट में, वो एक माइनॉरिटी के तौर पे ही थे। हुकूमत तो उन्हीं की थी क्योंकि मुगल्स वर इन पावर। सो दैट टाइम अगर 6 हिंदू हैं तो 6 में से कोई एक मुगल होगा, यानी इतनी उनकी कम जो थी तादाद थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, और यहाँ पे बट इवन एट द हाइट ऑफ देयर पावर द मुगल्स वर अ माइनॉरिटी आउट नंबर्ड बाय हिंदूज बाय 5 और 6 to 1। यानी अगर 6 हिंदू थे तो कोई एक बीच में मुगल था। मैनी ऑफ द मुगल एम्परर्स वर डिवोट एंड डेडिकेटेड मुस्लिम्स, और वो उनमें से कुछ बहुत अच्छे भी थे जो बड़े डिवोटेड थे, जो रहे हैं मुगल बादशाह थे वो बहुत ज्यादा रहे थे। दो देयर वर मैनी नोबल्स एंड ऑर्डिनरी पीपल हु वर नॉट सो स्ट्रिक्ट, मैनी अब्यूजेस बिगैन टू क्रीप इन। अब क्या हुआ कि उनमें से कुछ नहीं थे ऐसे जो अपने कंट्रोल को कायम रख सकते, तो लोग उनसे मुतनफर होना शुरू हो गए। दे स्टार्टेड टू हेट दोस पीपल अंडर द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। ठीक है, वी विल सी द नेक्स्ट पेज। अंडर द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, द एम्पायर वॉज ब्रॉट टू द एज ऑफ बैंक्रप्सी बाय ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस। अब देखिए, औरंगजेब के दौर में ना बेसिकली रिलीजियस जो था टॉलरेंस वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बैंक्रप्ट हो चुके थे, यानी कि हद से ज़्यादा रिजिडिटी आ गई मज़हब में। इस कदर रिजिडिटी आ गई, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो पुराने था उसको फॉलो, तो लोग जो था वो उससे फिर कंटिन्यूस वॉर्स, औरंगजेब के दौर में बहुत ज़्यादा इस तरह की वॉर्स ने जो था वो बहुत ज़्यादा जो उसकी ग्रिप थी वो लूज कर दी थी आफ्टर औरंगजेब डेथ। क्योंकि देखें, जितने भी ये बादशाह थे इनके साथ कोई ना कोई ट्रेजिडी ये रही थी मेजॉरिटी के साथ, कि या तो इनके औलाद ने ही इनको मार दिया था, जिस तरह के औरंगजेब के साथ भी ये हुआ था। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 देर वॉज अ सक्सेशन ऑफ एम्परर्स हु लुक फॉर लिटल बट देयर ओन प्लेजर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल में जो था उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया, और वो उनका जो फोकस था लोगों की तरफ, हुकूमत की तरफ, वो उनका खत्म होता चला गया। एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी द यूरोपियंस वर इंक्रीजिंगली एक्सर्टिंग देयर इन्फ्लुएंस। और ऑब्वियसली वो ऑनेस्टी से चल रहे थे, वो शिप्स पे आते थे, ट्रेडर्स आते थे, वो आके अपना काम करते थे लोगों में, तो उनको उनमें वो ऑनेस्टी भी नजर आई, उनको वो नजर आया कि वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं, तो पीपल जो है दे स्टार्टेड अट्रैक्ट टूवर्ड्स देयर सिस्टम। और इस तरह जो मुगल्स की थी वो अब ग्रिप लूज करना शुरू हो गए, क्योंकि वो ऐशो इशरत में पड़ गए, उनके पास वो अपनी ही अयाशियों में चले गए। लेकिन अब उसकी निस्बत औरंगजेब बहुत रिजिड था, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस इस हद तक रिजिड हो गया कि उसने लोगों को सजाएं बहुत जालिम किस्म की दी, जिससे लोगों के अंदर बगावत पैदा होगी, रिबेलियस हो गए। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वीकेंड एज अ कम्युनिटी। अब यहाँ पर देखें, एक कम्युनिटी के तौर पे भी मुसलमान वीक हो चुके थे एज अ रिजल्ट ऑफ इनइफेक्टिव लीडरशिप एंड फ्रीक्वेंट फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स एज वेल एज अगेंस्ट द सिक्स एंड मराठा। अब देखिए, अब ये इनकी आपस की ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, सिख मराठास इनकी, अब ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। दिस अलाउड द फ्रेंच एंड फाइनली द ब्रिटिश टू ग्रेड, क्योंकि देखिए हमारे सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, हमारे पे जो था वो
फ्रेंच जो थे रेवोल्यूशन वो हमारी तरफ नहीं आया था, बल्कि वो जो था वेस्ट वाली साइड पे उनका इन्फ्लुएंस था। हमारे यहाँ पर जो था ईस्टर्न साइड पे था वो हमारे पे ब्रिटिश हुकूमत जो थी उनका इन्फ्लुएंस था, और ग्रेजुअली टेक ओवर ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री। बट देयर वर ऑल्सो सम वाइज एंड सेंसिबल पीपल हु रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एजुकेशन एंड अ कॉमन पर्पस ऑफ द फॉर द मुस्लिम्स। देयर वर रिलीजियस फिगर्स लाइक शाह वलीउल्लाह एंड अदर मिस्टिक सूफी सेंट्स, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन हमने स्पेशली शाह वलीउल्लाह के बारे में ही हमने पढ़ना है। ईच ऑफ दीज लीडर्स कॉल्ड ऑन देयर फेलो मुस्लिम्स टू अराइज एंड बिकम अवेयर एंड एक्टिव टू डेवलप इंटू अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइनली इंडिपेंडेंट कम्युनिटी। इन्होंने फिर मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू किया, रिलीजियस तालीम देना शुरू की, इनको बताना शुरू किया कि आप लोग मदरसा में आए, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को समझें। कुरान पाक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अरबी, मैंने आपको बताया हमारी जबान नहीं है, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन हमें हमें कुरान पाक तर्जमे से पढ़ना चाहिए। जो हम अपने लिए देखते हैं हमें अपनी जबान में कुरान पाक को समझना चाहिए। अगर हम उसको अपनी जबान में नहीं समझते हैं तो हमें तो नहीं पता कि अल्लाह ताला हमसे क्या एड्रेस कर रहे हैं, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को शाह वलीउल्लाह ने बहुत ही डेप्थ में अंडरस्टैंड किया कि इसको समझना चाहिए कि कुरान पाक बेसिकली जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। द मदरसास एंड मकतब्स एज द बेसिक सेंटर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग played a major role in the revival of the Muslims. Ulema, as the scholars were known, advocated a return to Quranic principles to reform society. अब यहाँ पर जो कुरानिक प्रिंसिपल्स थे जिससे कि सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाता, ठीक है, उसकी रिफॉर्मेशन होती, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और इस तरह ये था कि मुसलमान दोबारा से अपनी उस हैसियत को समझ सकें कि बेसिकली व्हाट इज द एग्जैक्ट टीचिंग ऑफ द कुरान व्हिच दोज पीपल हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड द कुरान। कुरान कुरानिक लिटरेचर वाज इन अरेबिक, सो इट वाज नॉट ट्रांसलेटेड एट दैट टाइम। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल स्टार्ट शाह वलीउल्लाह बिकॉज नाउ द टाइम इज ओवर। सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद। ओके, नाउ आई विल गिव यू 5 मिनट्स।